जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी कोलकाता सेंटर के एग्जाम के रिव्यू के बारे में। तो आइए कंप्लीट बात करते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये जो रिव्यू है वो कोलकाता सेंटर का रिव्यू है मॉर्निंग बैच का। तो इसमें जो है वो टोटल 182 यानी कि 182 कैंडिडेट्स जो है वो रिपोर्ट किए थे। सुबह 7 बजे इनकी रिपोर्टिंग थी। उनमें से जो है वो 167 यानी कि 167 कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्ट किए गए। बाकी को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर किसी अन्य डॉक्यूमेंट को न होने के कारण। इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो ध्यान से लेकर जाएं। अगला है जो एग्जाम में जो है वो 167 कैंडिडेट जो है वो बैठे थे। उनमें से जो है वो 22 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया था, और 22 कैंडिडेट्स को जो है वो पीएफटी के लिए भेजा गया। पीएफटी में जो है दोस्तों, पीएफटी की अगर बात करें तो पीएफटी में आपको जो है वो रनिंग में पूरा टाइम दिया जा रहा है, 7 मिनट ही 7 मिनट उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है, जो कि मोबाइल में स्टॉप वॉच में आपको टाइम लगा के दिखाया जा रहा है कोस्ट गार्ड के द्वारा, और वहाँ पर उनका पीएफटी करवाया जा रहा है। और पुशअप में जो है वो आपको पूरा एकदम नॉर्मली इजिली पीएफटी हो रहा है, आपका पीएफटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जिनका एकदम ही नहीं हो रहा है उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत कम रेशियो में बाहर निकाला जा रहा है। उनमें से पीएफटी से जो है वो 19 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए सिलेक्ट किया गया। मेडिकल के लिए जो है वो 19 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि दो तीन कैंडिडेट्स जो है उनको सिर्फ मेडिकल में या पीएफटी से बाहर निकाला गया है। और अगला जो है वो मेडिकल में जो है वो 19 कैंडिडेट्स को भेजा गया। 19 कैंडिडेट्स का जो है वो सबसे पहले जो है मेडिकल में चेस्ट मापा गया, उसके बाद में जो है वो वेट मापा गया, मेजरमेंट किया गया, उसके बाद में जो है वो आपका ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया। और इसमें जो है वो प्राइवेट पार्ट की चेकिंग नहीं की गई है, वो जो है आपका INS चिल्का में फाइनल मेडिकल जब होता है तब वहाँ पे आपका किया जाता है पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको DME बोला जाता है। और एग्जाम के लेवल की अगर बात करें तो एग्जाम लेवल जो है वो 12th बेसिस पर आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जो है वो अर्थमेटिक, फिजिक्स और मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रीजनिंग के जो है वो क्वेश्चन 3 से 4 ओनली क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो है वो 5 से 7 क्वेश्चन, और GK एंड GS के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो है मेन रोल इस बार जो है वो 12th का है, तो 11th 12th की जो है आपका फिजिक्स और मैथ्स आ रही है, और अर्थमेटिक जो है आपकी 10th लेवल पर आ रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए आगे ऐसे ही रिव्यू लेकर आते रहेंगे, और आपका भी अगर कोई कमेंट है तो उसको नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।